Subscribe my channel. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चंकी जी ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का सेट लेके आया हूँ जो आप सभी मेडिकल में जो ऑपरेशन थिएटर में जॉब करते हैं या फिर गायनी का काम करते हैं उन लोगों के लिए है। तो काफ़ी अच्छा ही वीडियो है, मैं आपके लिए लाया हूँ। D&C ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट का सेट होता है वो मैं उसका नाम बताऊंगा आपको, उसका यूज बताऊंगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज होता है D&C में। D&C मतलब, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट की तरफ ले चलता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपनी जो भी बात है मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं अपनी ट्रॉली की तरफ आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बताऊँगा आपको कौन कौन से हैं, क्या नाम है इनके। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा स्पंज होल्डर। ठीक है, इसको तो आप जानते ही होंगे, जो हमारा सर्जरी एरिया होता है उस पर हम इससे पेंट करते हैं गॉस पीस लेके। ठीक है, सेप्टिक लोशन से। तो ये हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बॉल स्लम। ठीक है, बॉल स्लम ये देखिए कैसा होता है, उठा रहा हूँ मैं इसको भी, उठ नहीं पा रहा था कैसे। ये है बॉल स्लम। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिम्स क्यूरेट, ये इस खोदने के काम आता है, जो भी मटेरियल होता है उसको खोद के बाहर निकालते हैं। इंटीरियल बॉल वजाइनल रिट्रैक्टर था। ठीक है, इसके बाद ये है हमारे डायलेटर, सर्विक डायलेटर और हाइग्रिस डायलेटर। ये 9 टाइप में आते हैं, सारे अलग अलग साइज के हैं और ये हमारी सर्विक को फैलाने के काम में आते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज है इनका, सारे पूरे का 9 होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिम्स स्पेकुलम, इसको हम बोलते हैं सिम्स स्पेकुलम। इसका एक अदर नाम है पोस्टीरियर वजाइनल बॉल रिट्रैक्टर भी बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास में ओबम फॉर्सेप्स, ये जो छोटे छोटे टिश्यू होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। इसको स्पून टाइप में होती है, स्पून जैसे। ठीक है, छोटे छोटे कड़े हैं उनको उनको बाहर निकालते हैं ओबम फॉर्सेप। ये तो आपको पता ही होगा, किडनी ट्रे अपना मटेरियल इसमें निकलता है वो डालते हैं। ये हमारा सक्शन ट्यूब हो गया जाके। ठीक है, और जो भी हम ये कट सीट या फिर बगैर कोई भी सीट लेते हैं वो डॉक्टर के हिसाब से ही। गाउन रख लिया हमने और एक अपनी सीट रख ली, एक कट सीट रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रॉली मैंने बस केवल आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने के लिए लगाई है, बाकी अभी इसको स्लाइज किया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने लगा दी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।